खरगोन जिले के कसरावद में भीम आर्मी और मुस्लिम समाज के नौजवानों ने एसडीएम और आबकारी अधिकारी को मुस्लिम समाज कब्रस्तान के सामने से विदेशी शराब दुकान को हटाने के लिए माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पीपलगोन से सलीम खान की रिपोर्ट। आज आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुख समस्या रखी आपने? प्रमुख समस्या ये है कि जो है, जो इंदौर खरगोन रोड के ऊपर विदेशी शराब दुकान जो खोल रखी है, हमारा सबसे बड़ा विरोध है कि उसको तुरंत हटाई जाए। वहाँ हमारे कब्रिस्तान का गेट है और गेट के सामने जो है कुछ लोग शराब पी करके जो है बाटले फेंकते हैं, पाउच फेंकते हैं और आए दिन वहाँ विवाद होने का डर है, शांति भंग होने का डर है। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग रात में बैठ करके अंदर, जहाँ हमारे लोग जो है जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, उस जगह पे जाकर के शराब पी करके बैठते हैं वो और बाटले फेंकते हैं। क्या आश्वासन मिला प्रशासन को? अभी प्रशासन द्वारा हमको जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। आबकारी विभाग से वो बात करने के लिए बोल रहे हैं। अगर उन्होंने समय रहते हुए एक सप्ताह के अंदर अगर वो दारू दुकान को नहीं हटाई तो हमारी भीम आर्मी और हमारा मुस्लिम संगठन जगह जगह आंदोलन करेगा और जिले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये स्टेट हाईवे के सामने, ठीक कब्रिस्तान के सामने विदेशी शराब दुकान हटाने संबंध में इसको तत्काल हटाने के लिए ज्ञापन दिया। अच्छा, अगर अगली कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप? कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन किए जाएंगे भीम आर्मी द्वारा, उसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। पूरे जिले में जगह जगह ज्ञापन, विज्ञापन और धरना प्रदर्शन होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।